हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सत्तू की कचौड़ी। ये जो कचौड़ी है कुछ बनकर इस तरह से रेडी हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पे हम सत्तू का स्टफिंग यहाँ पे फिलअप करेंगे और इसे हम चने के दाल के साथ सर्व किए हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर दी हुई है, तो आप एक बार जाकर देख लें। इस चने के दाल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कचौड़ी खाने में। वैसे तो हम दो चने के दाल की वीडियो शेयर किए हैं आप लोग के साथ, तो आप किसी भी दाल के साथ आप इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे खाने के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सत्तू की कचौड़ी बनाना। तो यहाँ पर सत्तू का कचौड़ी बनाने के लिए पहले हम डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के लिए हम यहाँ पर दो कटोरी मैदा लिए हैं। हम इसमें एक कटोरी आटा डालेंगे। आप चाहे तो सिर्फ इसे मैदे में भी बना सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, या फिर सिर्फ आटे में भी बना सकते हैं। आप कुछ भी बनाएं उसमें आप थोड़ा सा सूजी ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसमें हम थोड़ा सा सूजी डाल रहे हैं, उससे जो क्रिस्पीनेस है पूड़ियों का वो बना रहेगा। और इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, तो चीनी को हम हल्का कूट लिए हैं, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसमें अपने थोड़ा सा नमक डाल दें इसमें। तो हम इसमें चीनी और नमक दोनों ही बराबर मात्रा में डाल दिए हैं। अभी इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब सत्तू के स्टफिंग बनाएंगे हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अजवाइन नहीं डाल रहे हैं। हम बस इसी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल देंगे या फिर घी, आपको जो पसंद हो आप इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें आटा मैदा। तो हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम आटा मैदा दोनों का ही इस्तेमाल करके ये कचौड़ी बनाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से हम इसे मिक्स भी कर लिए हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका नॉर्मल डो तैयार करेंगे। ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, ज़्यादा टाइट डो भी नहीं रेडी करना है, एकदम नॉर्मल सा जैसे हम लोग आटा वगैरह गूंथते हैं उसी तरह से हम इसका डो बना के रेडी कर लेंगे। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी कर लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा डो है ये बनकर पूरा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अभी हम इसे इस तरह से करके इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के हम इसे ढककर इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट होगा तब तक हम यहाँ पे सत्तू का स्टफिंग जो हमें बनाना है, तो हम यहाँ पे सत्तू का स्टफिंग बना के रेडी करेंगे। तो इसमें हम ऑयल लगा दिए हैं, अभी हम इसे कवर करके रख देते हैं। आइए यहाँ पे स्टफिंग बनाया जाए। स्टफिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बाउल लिए हैं, इसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। एकदम आप बारीक कट कर ले, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं, और हरी मिर्चों को भी एकदम बारीक कट कर ले। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसे बारीक कट किए हैं। हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। आप जो भी मसाले इस्तेमाल करें सब भुने हुए होने चाहिए। और हम इसमें एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे, ये भी भुना हुआ है। और हम इसमें सूखी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी भुना हुआ है यहाँ पे। और इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे और हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। तो आप इस तरह से इसमें नींबू का रस भी डाल दें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाले हैं। अब ये सब इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अपने हाथों से ही हम इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा मसाला है ये रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे एक कटोरी सत्तू लिए हैं। तो इस सत्तू को, ये चने का सत्तू है, भुना हुआ चने का सत्तू का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। और ये जो हमने मसाला बना के रेडी किया था, इस मसाले में हम इसे पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हम इसे किस तरह से पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे हल्का थोड़ा सा इसका डो की तरह रेडी करेंगे। पूरा हमें ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस हल्का डो इसका रेडी करना है ताकि जब हम फिलअप करें मैदे में तो ये अच्छी तरह से फिलअप हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं हम इसमें एकदम हल्का पानी का इस्तेमाल करके इस तरह से इसे ड्राई और थोड़ा गुना हुआ बना दिए हैं। तो अब हम इसे भी रख देते हैं। तक स्टफिंग बना रहे थे, यहाँ पे हमारा जो डो है
ये भी सेट हो चुका है, तो इसे एक बार और हम गूंद लेते हैं और कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेड़ा ले लेंगे, तो आपको जितनी बड़ी कचौड़ी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पेड़े ले लें। और जो हमने यहाँ पे स्टफिंग बना के रेडी किया था इसे फिलअप करेंगे, तो इसमें हम हल्का ऑयल लगा के ऑयल की हेल्प से हम इस तरह से बना लेते हैं। अब हम इसके अंदर अपना जो स्टफिंग बना के रेडी किए हैं इसे फिलअप कर दिया जाए। तो हम इसे फिलअप कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं प्रोसेस हम किस तरह से यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, ताकि जो कचौड़ी है अच्छी फटे ना, बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो इसी तरह से करके इतनी सारी लोइयाँ हम यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब आइए इसे कचौड़ी की तरह बेल लिया जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल की हेल्प से इसे पूरियों की तरह बेल लेंगे। तो इसी तरह से करके आपको आप बेल लें। ये पूरियां हम बना के रेडी कर लिए हैं। अब आइए इन पूरियों को तला जाए, गर्मा गर्म सर्व किया जाए। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे, इसके अंदर हम रिफाइन ऑयल डाले हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम एक एक करके पूरियाँ डालकर पूरियों को तल लेंगे। तो आप इस तरह से डिप करके पूरियों को तले तो बहुत अच्छी फुली फुली ये हमारी पूरियाँ बनके रेडी होंगी यहाँ पे, हमारी सत्तू की कचौड़ी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो आप इसी तरह से करके कचौड़ियों को तल लें। तो इसी तरह से आप एक एक करके बाकी सभी पूड़ियों को तल लें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें चने की दाल के साथ या फिर किसी भी सब्जी के साथ। सर्व कर दिए हैं चने की दाल के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।